हेलो एवरीवन, फेयरस्टॉक में आपका स्वागत है। मैं शम्स। आज हम जानेंगे सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस के बारे में। ये कंपनी अगर आप रिसेंटली होल्ड कर रहे हैं तो विद इन अ वीक मोर देन 30% के आसपास ये स्टॉक ऑलरेडी करेक्ट हो चुका है और अभी ये कंसोलिडेट मोड पे चल रहा है। आज जैसे थर्सडे 14th of February है, आज इसके अंदर थोड़ी बहुत मॉर्निंग में इसमें बाइंग आई है, राइट। तो एक बार इस स्टॉक को एनालाइज करके देखते हैं कि अगर इन केस क्या अभी जो भी इसके अंदर मोमेंटम हो रहा है, विद इन ए वीक 30% ये स्टॉक करेक्ट हुआ है और अभी इसके अंदर बाइंग हो रही है, तो एग्जैक्टली हमें अभी करना क्या चाहिए? अभी इस स्टॉक को हमें होल्ड करें या अभी हमें और बाय करें या हमें एग्जिट करके इसे निकल जाए? तो सबसे पहले इस स्टॉक को हम टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, देन उसके बाद फिर उसका फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से उसको देखेंगे कि क्या उसका एग्जैक्टली वो वर्थ है आगे कंपनी बढ़ने के लिए। सो पहले टेक्निकल देखेंगे, फिर फंडामेंटल देखेंगे, लास्ट में एक बार हम अपनी एनालिसिस करके देखेंगे कि क्या अभी स्टॉक में हमें क्या पोजीशन बिल्ड करनी चाहिए। सो अभी तक आपने अगर मेरा पेज सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड काफ़ी सारी वीडियोज आने वाले टाइम में आपको मिलने वाली है। और आप हमारे वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं जो कि है fairstock.in। यहाँ पे आप स्टॉक, म्यूचुअल फंड, IPO, फ्यूचर एंड ऑप्शन से रिलेटेड कंटेंट्स, काफ़ी सारे फ्री कंटेंट्स आपको मिलेंगे। आप यहाँ से वो कंटेंट अवेल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले टेक्निकल से स्टार्ट करते हैं। सो जैसे कि सीजी पावर इंडस्ट्री सॉल्यूशन मैंने ऑलरेडी ओपन करके रखा हुआ है और अभी जो मैं स्टॉक को एनालाइज कर रहा हूँ ये मंथली बेसिस पे आप देख रहे हैं, ये मंथली बेसिस पे है। अभी ये जो स्टॉक ट्रेड हो रहा है ये समथिंग अराउंड 30, इसका जो प्राइस है अभी लो 20 रुपीज़ तक भी गया था और अभी ये 27 रुपये के आसपास क्लोजिंग है इसका, 27 रुपये 40 पैसे के आसपास। अभी अगर इस 27 रुपये 40 पैसे आज के डेट में है, आज अगर आप इसको प्रीवियस देखें बॉटम, ये 2013 अगस्त में ये इस प्राइस पे ये वापस आया था। यहाँ पे देखिए क्लोजिंग प्राइस यहाँ पे आता है, यहाँ पे देखिए आप, तो यहाँ पे देखिए अगर मैं इस यहाँ पे कर्सर लेके जाता हूँ तो 27 रुपये 68 पैसे या 28 रुपये आप देख रहे हैं इसी रेंज में वो आज से 2013 में था। आज 2019 है, यानी समथिंग अराउंड 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, तो कम से कम 6-7 साल पहले के प्राइस पे वो स्टॉक वापस ट्रेड कर रहा है। और भी आप अगर देखें यहाँ पे, ये देखिए 2009 में, मतलब अप्रॉक्स 10 साल पहले ये स्टॉक सेम उसी प्राइस पे 25 रुपये 26 पैसे दिखा रहा है लो और क्लोजिंग 24 रुपये। तो आप अगर देखें आज से 10 साल पहले भी उसी प्राइस पे वो स्टॉक था। हाई उसने यहाँ पे दो बार टच किया, ये हाई देखिए 119 रुपये का हाई उसने टच किया था, एक बार 2006 में और एक बार इसने हाई टच किया था 2010 में। उसके बाद फिर ये एक रेंज आप देख रहे हैं, ये एक रेंज है 85 के रेंज में, एक बार ये अभी लास्ट टाइम भी इसने टच किया था 85 का 2007 में और दोबारा इसने 85 का टच किया है 2018 में। तो अभी जो ये पॉइंट है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है, काफ़ी सही लेवल पे है ये स्टॉक अभी। तो यहाँ से आपके पास अगर है तो आप इसको होल्ड कीजिए, यहाँ पे बेचने की अभी कोई जल्दी नहीं होनी चाहिए। अभी आप इस प्राइस पे आप उसको होल्ड कीजिए, अप्रॉक्स आप इस लेवल तक समथिंग अराउंड आप अगर 30 रुपये के आसपास है तो आप 40 या 50 का जो टारगेट है आप उस टारगेट तक आप उसको वेट कर सकते हैं, 40-50 के टारगेट के आसपास आप उसको वेट कर सकते हैं। और अगर आप इसमें आप अभी अगर सेल कर चुके हैं या मतलब आपने अगर बाय नहीं किया है तो आप एक छोटे टाइम फ्रेम के लिए आप इसमें बाय कर सकते हैं, क्योंकि ये ना कि 9 साल आज से 10 साल पहले और 7-8 साल पहले के लो में अभी चल रहा है। और ये जो लेबल है 25-26 का जो लेबल है ये बहुत स्ट्रांग लेबल है, राइट, और इसने कभी भी उसको ब्रेक नहीं किया है, आज से 10 साल पहले भी नहीं ब्रेक कर पाया, 8 साल पहले भी ब्रेक नहीं किया है और अभी ये उसी लेवल पे आके कंसोलिडेट हो रहा है, राइट। तो एक चांस है कि यहाँ से ये एक छोटे टाइम फ्रेम के लिए आपको एक अच्छा मोमेंटम दे सकता है, राइट। तो उस बेसिस पे आप अगर इसमें अपना पोजीशन बिल्ड करना चाहें तो इसमें आप पोजीशन अपना बिल्ड कर सकते हैं।
तो ये जो ये मैंने आपको बताया, ये मैं आपको बता रहा हूं वीकली बेसिस पे, अब सॉरी मंथली बेसिस पे। तो एक बार आप वीकली बेसिस पे भी आप अगर इस चार्ट को देखें, स्टॉक को एनालाइज करें, सो वीकली बेसिस पे देखिए ये, और जैसे कि मैंने आपको दिखा ये ऑल टाइम लो पे चल रहा है, राइट। सो और इसके अंदर अगर हम मूविंग एवरेज की बात करें तो मूविंग एवरेज के अंदर भी इसके अंदर किसी में बाइंग का कोई मुझे सिग्नल नहीं दिख रहा है। तो वीकली बेसिस के अंदर इसमें कोई चांस नहीं है, मतलब आप अगर बहुत अल्ट्रा छोटे टाइम फ्रेम के लिए देख रहे हैं तो उसके अंदर अभी कोई बाइंग नहीं है। लेकिन हाँ, लंबे टाइम फ्रेम के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जैसे आप देख रहे हैं इसमें 10 साल 8 साल 9 साल के अंदर अंदर इसके अंदर मोमेंटम आ रहा है, तो आपकी अगर इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी अगर हाई है, मतलब 2 साल 3 साल 4 साल अगर होल्ड करके रख सकते हैं तो फिर आप इस प्राइस पे इसको बाय कर सकते हैं। अगर आप इतना लंबा टाइम होल्ड नहीं कर सकते तो फिर ये स्टॉक आपके लिए नहीं है, क्योंकि वीकली चार्ट के बेसिस पे स्टॉक के अंदर कोई अभी बाइंग सिग्नल नहीं दिख रहा है। और अगर हम डेली की बात करें तो डेली के अंदर यहाँ पे फिलहाल ये जो कैंडल बन रहा है, ये जो कैंडल आज का जो कैंडल अभी तक फॉर्म हुआ है मॉर्निंग 11:30 तक, तो इसके बेसिस पे ये जो कैंडल अभी फॉर्म हो रहा है, अभी मैंने लास्ट एक वीडियो भी अपलोड किया था इंट्राडे और पोजिशनल ट्रेड का, ये एग्जैक्टली उसी को रिप्रेजेंट करता है। इसको बोलते हैं बुलिश पियर्सिंग कैंडल। बुलिश पियर्सिंग का मतलब होता है कि जब कॉन्स्टेंटली एक प्राइस गिरता है, उसके बाद मार्केट और नीचे जाके खुलता है, और उसके बाद फिर जो प्रीवियस डे का जो रेड कैंडल है उसके मिड लेवल के बीच या उसके ऊपर जाके क्लोज होता है। तो आप अगर यहाँ पे देखेंगे एग्जैक्टली ये वही हो रहा है। इसका जो लो क्लोजिंग हुआ था 23.65 रुपये, और जो ओपनिंग हुआ ये हुआ ओपनिंग 21.80 रुपये, और लेकिन अभी जो क्लोज हो रहा है आके ऊपर आके क्लोज हो रहा है 27 रुपये के आसपास आके क्लोज हो रहा है, यानी प्रीवियस डे के मिड लेवल के आसपास आके क्लोज हो रहा है। तो ये एक बुलिश पियर्सिंग है। बुलिश पियर्सिंग का मतलब होता है कि एक ट्रेंड रिवर्सल का एक साइन है, छोटे टाइम फ्रेम के लिए, बहुत अल्ट्रा टाइम फ्रेम के लिए एक ट्रेंड रिवर्सल है कि अगर आप यहाँ से इसको बाय करते हैं तो इसके अंदर अब चांसेस है ये यहाँ से अब और ऊपर जा सकता है बहुत छोटे टाइम फ्रेम के लिए। वीकली मतलब आप 10-15 दिन के लिए तो भी नहीं है, बहुत मतलब 2 या 3 या 5 दिन के लिए है, उससे ज़्यादा नहीं। और आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो फिर 2 या 3 साल का होराइजन लीजिए, तब जाके फिर आपको कुछ रिटर्न मिलेगा। आप अगर 2-3 महीने के अंदर अंदर देख रहे हैं तो फिलहाल उसके अंदर मुझे यहाँ पे अभी कोई सिग्नल नहीं दिख रहा है। डेली कैंडल के बेसिस पे इसमें अभी बाइंग सिग्नल दिख रहा है, और मंथली कैंडल के बेसिस पे अभी इसमें अंदर बाइंग सिग्नल दिख रहा है, वीकली के बेसिस पे अभी इसमें कैंडल नहीं दिख रहा है। तो ये अभी हमने देखा टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से, टेक्निकल। अब इस स्टॉक को हम देखते हैं फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से, देखते हैं कि फंडामेंटल ये स्टॉक कितना अच्छा है, फंडामेंटल अगर मैं इस स्टॉक पे बाय करूं तो कैसा रहेगा। तो अभी इसका अगर हम पी रेशियो देखें और कंपनी का अभी जो करेंट प्राइस है और बुक वैल्यू है, बुक वैल्यू के आसपास ट्रेड कर रहा है, बहुत ओवर वैल्यूड नहीं है अभी, बहुत कम प्राइस पे ट्रेड हो रहा है, और प्रॉस में तो बहुत चीज़ें नहीं है, कॉन्स में बहुत नेगेटिव्स हैं, जैसे कंपनी हैज़ लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, कंपनी हैज़ डिलीवरिंग अ पुअर ग्रोथ रेट, प्रमोटर होल्डिंग लोअर देन 34%, राइट। तो नेगेटिव काफ़ी सारी चीज़ें हैं, एंड प्रॉस में सिर्फ एक ही चीज़ इसके फेवर में है कि अभी ये प्राइस बहुत सस्ता मिल रहा है, ये अभी स्टॉक बहुत आपको एक सही प्राइस पे मिल रहा है, बस यही इसकी एक अभी एक पॉजिटिविटी है। और कुछ पॉइंट्स हम देखते हैं स्टॉक्स का, अगर हम इसकी क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो क्वार्टरली रिजल्ट कॉन्स्टेंट एक जैसा रहा है, बहुत कॉन्स्टेंटली ग्रोथ नहीं दिख रहा है क्वार्टरली रिजल्ट में। और अगर एनुअल रिपोर्ट की बात करें तो एनुअल के अंदर एटलीस्ट 2014 तक इसके अंदर बाइंग मतलब अच्छा रिस्पॉन्स था, लेकिन 2015-16-17-18-19 कॉन्स्टेंटली अब इसके अंदर नेगेटिव रिटर्न आई है। और इसके अलावा अभी जो अभी एक विद इन सिंगल डे 30% या विद इन वीक 30% गिरने का रीज़न ये भी था स्टॉक के अंदर कि स्टॉक का अभी जो डिक्लेयर किया गया है दिसंबर में, जो रिजल्ट इसका डिक्लेयर किया गया उसमें कंपनी नेगेटिव में इनका रिजल्ट आया है, राइट। कंपनी नेगेटिव इनकी लॉस में कंपनी है, सो ये एक रीज़न है जिसके वजह से कंपनी बहुत ज़्यादा नेगेटिव, बहुत ज़्यादा
डाउन हुआ था, लेकिन ड्यू टू वो एक बहुत ऑल टाइम 9 साल 10 साल पहले बॉटम प्राइस पे मिल रहा है स्टॉक, सो और प्राइस ऑलमोस्ट बुक वैल्यू के ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट है, सो इसके लिए लोग उसको क्या कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं। तो मुझे अभी टेम्परेरी इसके अंदर बहुत नहीं लग रहा कि ये विद इन अ मंथ या 3 महीने 4 महीने या के अंदर बहुत ऐसा रिजल्ट दे देगा, ऐसा नहीं लग रहा है। लेकिन हाँ, आप अगर इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो पॉसिबल है कि इसमें आप एक 2 या 3 साल के अंदर एक पॉजिटिव रिटर्न अर्न कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड काफ़ी सारी वीडियोस आपको मिलने वाली हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।